गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते साहब। राजू जरा एक बीड़ी का बंडल लेके आना। जी साहब। और सुनो एक पान भी लगवा देना। ठीक है? ठीक है साहब। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर, यहाँ कुछ कैंडिडेट्स आए हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ हाँ बारी बारी उन्हें अंदर भेज दो। जी सर। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम हियर फॉर द इंटरव्यू। आप प्लीज वहां वेट कीजिए। सर आप अंदर जाइए। सर मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। सर मैं मयंक, मयंक शर्मा, इंटरव्यू के लिए आया था। हाँ तो दोनों इंटरव्यू? जग्गू रुक जा भी। मयंक 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 रुक जा दो मिनट। दिखा दो भाई मयंक, दोस्त दोस्त हो ना दोस्त, दिखा दो भाई प्लीज, फेल हो जाऊंगा मैं, प्लीज प्लीज दिखा दो। मयंक शर्मा 82%, राजन 26%, जगन्नाथ हाँ जगन्नाथ 42%। अरे वाह पास हो गया रे, अरे वाह पास हो गया। क्या हुआ चौक गए जग्गू को जगन्नाथ बना देख के? देखो भाई ये सब किस्मत का खेल है। जग्गू ये किस्मत का नहीं, हमारे देश के सिस्टम का खेल है। जिन्हें कभी ठीक से कलम भी चलानी नहीं आई उन्हें देश चलाने के लिए दे दिया जाता है। ए मत भूलो मयंक कि तुम यहां पे इंटरव्यू देने के लिए आए हो। ये मेरी बदनसीबी है कि मैं यहां इंटरव्यू के लिए आया हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें इंटरव्यू में फेल भी कर सकता हूं। जो कभी अपने दम पे पास नहीं हुआ वह मुझे क्या फेल करेगा? तुम्हारे क्वेश्चंस की लिस्ट से कहीं लंबी है मेरे आंसर की लिस्ट। बस मयंक बस, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें धक्के दे के बाहर निकलवा सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है और ना मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति। अरे राजन, राजन तुम यहां? वो मैं यहाँ, वो क्या ना करता यार, कॉलेज खत्म होते ही माँ का देहांत हो गया, फिर मुझे जल्दी शादी करनी पड़ी
और अब तो मेरे दो बेटियां भी हैं। कहां मर गया है साला राजन? अच्छा मयंक, अभी बॉस बुला रहे हैं, मैं तुझसे बाद में मिलता हूं।